हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अपनी पाइथन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट कर रहे थे। हमने अब तक एरे कंप्लीट करा, हमने लिंक्ड लिस्ट देखा कि लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, उसमें हम इंसर्ट कैसे करते हैं, उसमें हम डिलीट कैसे करते हैं, ये सारे पार्ट्स हमने देखे। अब हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे अपना डेटा स्ट्रक्चर कौन सा, स्टैक, कि हमारा स्टैक क्या होता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को आज हम पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली स्टैक होता क्या है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में हम किसी एलिमेंट्स को इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू अगर हम स्टैक को समझना चाहते हैं तो वो क्या होता है। अगर मैं बात करती हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल की, कि रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, नॉर्मली हम अपने किचन में क्या करते हैं, हम प्लेट्स का बंडल होता है, या हम जब भी किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं कहीं, वहाँ पे हमारे प्लेट्स के बंडल्स लगे हुए होता है, पूरा एक बंडल होता है। ये प्लेट हम सबसे पहले नीचे रखेंगे, फिर उसके ऊपर प्लेट, फिर उसके ऊपर प्लेट, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इसी तरीके से हम अपनी प्लेट्स को अरेंज करते हैं। जब भी हम किसी डाइनिंग टेबल पर जाते हैं डिनर वगैरह के लिए, तो वहाँ पर प्लेट्स इस तरीके से अरेंज होती हैं, एक के ऊपर एक, ये सबसे पहले अरेंज की गई होगी, फिर ये, फिर ये, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड फिर सिक्स्थ। अब जब हमें अपना डिनर करना है, हमें कुछ खाना है, तो हम जब प्लेट लेंगे, हम सबसे पहले कौन सी प्लेट लेंगे, हम सबसे पहले ये वाली प्लेट उठाएंगे यूज़ करने के लिए, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली। इट मीन्स जो हमने सबसे लास्ट में प्लेस करी प्लेट, हम सबसे पहले उस प्लेट को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स जिसको हमने सबसे पहले लास्ट में रखा था उसको हम सबसे पहले निकाल ले रहे हैं। सेम हमारा बुक्स के साथ होता है, हमारी अलमीरा में हमारा पूरा एक बुक्स का बंडल रखा हुआ है, ठीक है, साइंस की, एसएसटी की, मैथ्स की, लेट्स से साइंस की है, फिर मैथ्स की है, फिर एसएसटी की है, फिर इंग्लिश की है, लेट्स से फिर हिंदी की है, हमारे लेट्स से बुक्स का बंडल है हमारी अलमीरा में। हमें कोई बुक निकालनी है, हम क्या करते हैं, जिससे कि ढंग से निकले, बिना गिरे निकले, तमीज़ में निकले, हम ये बुक हटाएंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, ऐसी तो लेंगे हम कोई बुक हमें निकालनी है, अगर हम अपनी अलमीरा साफ़ कर रहे हैं, बंडल्स निकाल रहे हैं, तो एक एक करके बुक ऐसी तो हटाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट, या इसी को हम दूसरे तरीके से क्या कहते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट, कि मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमने लास्ट में रखा था उसको हम सबसे पहले निकाल ले रहे हैं, या फिर यूँ कहो कि जिसको हमने सबसे पहले रखा था उसको हम सबसे लास्ट में निकाल ले रहे हैं। दोनों की बात देखा जाए सेम है, मीन्स हमें क्या याद रखना है, हमें बस इतना याद रखना है कि जिसको हमने सबसे लास्ट में रखा था, तो जिसको हमने सबसे लास्ट में रखा था उसको हम सबसे पहले निकाल ले रहे हैं अपने यूज़ के लिए। इसी हमारे प्रिंसिपल पे वर्क करता है स्टैक। अब बात आती है, ये तो हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, हमें समझ आ गया कि भाई हमारे बंडल्स एक के ऊपर एक हमारे एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, और जिसको हम सबसे पहले इनपुट करा रहे हैं, जिसको हम सबसे पहले एंटर करा रहे हैं स्टैक में, उसको सबसे लास्ट में निकालते हैं, और जिसको सबसे लास्ट में एंटर करा है उसको सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। तो ये स्टैक वाली बात हो गई। अब इसी में हम एक नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, क्या, कि हम एंटर कराते कहाँ से हैं, मतलब हमारे पास ये पूरा स्टैक है, अब हम इसमें जब एंटर कराएंगे, हम इस पॉइंट से एंटर कराएंगे, हमारा वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, हमारे पास लेट्स से कोई आइटम है, तो आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री, हम इस एंड से एंटर करा रहे हैं अपने आइटम्स को। अब जब हम इन्हें निकाल रहे हैं अपने यूज़ के लिए, तो हम निकाल भी इसी एंड से रहे हैं, सेम से, हमने सबसे पहले थ्री निकाला, फिर टू निकाला, फिर वन निकाला, मीन्स हमारे इंसर्शन का और हमारे डिलीशन का जो एंड है, जो पॉइंट है, वो सेम है, जिस एंड से हम निकाल रहे हैं उसी एंड से हम एंटर करा रहे हैं, और इसी एंड को हम क्या कहते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक। मीन्स हमारे, वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, भी कोई भी हमारा एरे होता था या कुछ भी होता था, उसके दो एंड होते थे ना, एक ये वाला, एक ये वाला, लेकिन भाई हम यहाँ से भी इंसर्शन करा सकते थे, यहाँ से भी, यहाँ से भी डिलीशन करा सकते थे, यहाँ से भी, बट स्टैक में क्या होता है, जिस एंड से हम इंसर्शन कराते हैं उसी एंड से हम डिलीशन करते हैं, और इसी एंड को हम क्या कहते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक। मीन्स अगर हमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना हो, कोई भी एलिमेंट डिलीट करना हो, तो हम इसी एंड से करेंगे। लेट्स से हमारे पास यही है, हमारे पास ये हमारा एक स्टैक है, हमारा वन है, टू है, थ्री है,
अब हम इसमें कोई नया, ये हमारा एक स्टैक है, हम इसमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहते थे, लेट्स से 4, तो हमेशा वो इसी पॉइंट पे इंसर्ट होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1 के नीचे 4 आ जाए, कि भाई हम चाहते हैं 1 और 2 के बीच में 4 आ जाए, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, बट उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तुम 4 को हटाओगे, फिर तुम 3 को हटाओगे, फिर तुम 5 को लाओगे, फिर से 3 डालोगे, फिर से 4 डालोगे। एक तरीका सिर्फ इकलौता यही है। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि बिना निकाले कर लो, मीन्स अगर तुम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कराना चाह रहे हो तो वो हमेशा स्टैक के टॉप पे ही आएगा। स्टैक तुम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी 2 एलिमेंट्स के बीच में तुम ऐसे ही डाल दोगे। तुम डालना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तुम्हें उससे ऊपर के एलिमेंट्स को रिमूव करना पड़ेगा, फिर तुम वो एलिमेंट इंसर्ट करके दोबारा से उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को डालना पड़ेगा। मतलब हम एक और बार फिर से समझते हैं, हमारे पास ये स्टैक है जिसमें हमारे ऑलरेडी आइटम्स हैं 1, 2 एंड 3, हमारे पास ये आइटम्स हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं इस स्टैक में 4 को इंसर्ट कराना। अब 4 दो तरीके से, या तो हम कह रहे हैं बस सिंपली 4 को इंसर्ट करा दो, तो क्या होगा, 4 आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है 4 आ गया, बट हम चाहते हैं 4 यहाँ पर ना आकर 3 और 2 के बीच में आए। मीन्स हमारे पास ये स्टैक है 1, 2 एंड 3, हम चाहते हैं 4, 3 के ऊपर ना आकर 2 और 3 के बीच में आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 3 को रिमूव करना पड़ेगा। तो अब स्टैक में क्या बचा, अब स्टैक में बचा 1 और 2, फिर अब हम 4 को इंसर्ट कराएंगे और फिर हम 3 को फिर से इंसर्ट कराएंगे, तो हाँ ऐसे हो जाएगा कि हमारा 2 और 4 के बीच में 3 आ गया। सेम डिलीशन के केस में है, मतलब डिलीशन के केस में अगर हम समझें, हमारे पास अगेन क्या क्या है, पहले 1 है, फिर हमारे स्टैक में 2 है और फिर हमारा 3 है, ठीक है। हम कह रहे हैं हमारा 3 डिलीट, हम 3 को डिलीट करना चाहते हैं, तो नॉर्मली क्या होगा, टॉप पर है 3 हमारा नॉर्मली रिमूव हो जाएगा। बट अगर हमारे स्टैक कुछ इस तरीके से है 1, 2 एंड 3, अब हम चाहते हैं इस 1, 2, 3 में से 2 को डिलीट करना। 2 कैसे डिलीट होगा, 2 को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 को हटाएंगे, 3 को हटाया तो हमारा स्टैक क्या बन गया, 1 और 2। अब हम 2 को हटाएंगे, अब हमारा स्टैक क्या बन गया, सिर्फ 1। अब 2 तो रिमूव हो गया, 3 फिर से चाहिए, तो अब हम 3 को फिर से इंसर्ट करेंगे, तो अब हमारा स्टैक फाइनली क्या बन गया, 1 एंड 3। तो ये एक थोड़ा सा इसमें ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो भी काम होता है इंसर्शन का, डिलीशन का, वो सारे स्टैक के टॉप पर ही होता है। मीन्स अगर हमें कोई मिड एलिमेंट को रिमूव करना है तो हमें सबसे पहले उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को रिमूव करना पड़ेगा, फिर हम उस एलिमेंट को रिमूव करेंगे और फिर हमें ऊपर वाले एलिमेंट को फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा। सेम इंसर्शन के लिए अगर टॉप पे ही कोई इंसर्ट करना है तो ईजीली हो जाएगा, बट अगर हम मिड में करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे, फिर उस एलिमेंट को इंसर्ट करके दोबारा से उन ऊपर वाले एलिमेंट्स को इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा स्टैक का पूरा फंक्शन था कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, प्रिंसिपल कौन सा, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट। और रियल लाइफ एग्जांपल देखें कि प्लेट्स की बंडल है, बुक्स की बंडल है हमारी टेबल पे, हमारी अलमीरा में, उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और फिर हमने ये भी देखा कि हम इंसर्शन डिलीशन कैसे करते हैं। हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में ये देखेंगे, हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम इंसर्शन देखने वाले हैं, हम डिलीशन देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि स्टैक हमारा एम्प्टी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम अपनी चेक करेंगे, इम्प्लीमेंट करके देखेंगे पाइथन के थ्रू कि हम कैसे चेक करते हैं, कैसे हम स्टैक में इंसर्शन कराते हैं, कैसे डिलीशन कराते हैं, कैसे ये चेक करते हैं कि एम्प्टी है या नहीं है। ये थी स्टैक के इंट्रोडक्शन वीडियो कि स्टैक होता क्या है। आई होप ये वाली चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी, समझ आया होगा इसका प्रिंसिपल, इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स, इसके इंसर्शन एंड डिलीशन का तरीका क्लियर हुआ होगा। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोज़ भी आप चेक कर सकते हैं जिसमें लिंक्ड लिस्ट, एरे, इन सबको हमने इम्प्लीमेंट करके देखा हुआ है पाइथन के थ्रू, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।